प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल लखनऊ के संस्थापक प्रबंधक हैं। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के पद चिन्हों पर चलने वाले डॉक्टर गांधी ने 1956 में सिर्फ 5 बच्चों के साथ इस स्कूल की शुरुआत की। उनकी लगन और मेहनत का नतीजा ही कहिए और 50,000 से भी ज्यादा छात्रों वाला ये स्कूल विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है। 1999 से इस स्कूल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। डॉक्टर जगदीश गांधी का जन्म 10 नवंबर 1936 को अलीगढ़ जिले के बारसोली गांव में हुआ। वो लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम है और विश्व के अनेक देशों ने उन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट प्रदान की है। लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान वो सोशल एक्टिविटीज में भी शामिल रहे। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कई आंदोलन चलाए। इस दौरान वो स्टूडेंट यूनियन के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष चुने गए। शादी के बाद पत्नी के साथ मिलकर सिटी मोंटेसरी स्कूल खोला। विश्व शांति के लिए उनकी कोशिशों को अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों ने सराहा और सम्मानित किया। डॉक्टर गांधी सामाजिक गतिविधियों में लगातार शामिल रहे। 1959 से 1964 के दौरान वो उत्तर प्रदेश नौजवान संघ के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा 1960 से 1965 के दौरान वो उठो जवानों के संपादक भी रहे। 1961 से 1973 के बीच वो ऑल इंडिया चिल्ड्रन एंड यूथ फेस्टिवल के संस्थापक और महासचिव रहे। साथ ही 1962 से 1965 के बीच वो सहायक जिला स्काउट आयुक्त भी रहे। दुनिया भर के बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए परिवर्तनीय अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए अभियान चलाने के लिए उन्हें 21 अगस्त 2012 को विधि के क्षेत्र में मानद उपाधि भी दी गई। मार्च 2014 में उन्हें यूपी सरकार ने यश भारती सम्मान से भी नवाजा। शांति आधारित शिक्षा के लिए उन्हें साल 2011 में प्रतिष्ठित कूसी शांति पुरस्कार और साल 2002 में यूनेस्को की ओर से सम्मानित किया गया। सीएमएस ऐसी शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है जिससे कि आप इस संसार के महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सके, इतिहास पुरुष बन सके, कुछ इतिहास में अपना नाम कर सके। ये तब संभव है जबकि आप हर चीज़ को ध्यान से समझें और आपकी गहराई में जाएं। कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। इस संसार में केवल ज्ञान उनको मिलता है जो किसी भी विषय की गहराई में जाते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, गहराई में जाते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके उद्देश्य को समझते हैं, तब उनका लाभ होता है, अन्यथा तो कोई लाभ नहीं। अब इस प्रार्थना में हमारे में है, आई बियर विटनेस टू माय गॉड दैट थाउ हैज क्रिएटेड मी फॉर टू थिंग्स, टू नो दी एंड टू वर्शिप दी। मैं साक्षी देता हूँ हे मेरे परमेश्वर कि तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जानूं और तेरी पूजा करूं। तुझे जानने के मानी क्या है? परमात्मा को तो हम देख ही नहीं सकते, मिल भी नहीं सकते हैं, बातचीत भी नहीं कर सकते हैं, उसे छू भी नहीं सकते, उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कोई उसका घर मकान नहीं है जहां हम जाके उससे मिल सके। अब वो परमात्मा क्या है? परम आत्मा है, परम आत्मा, सबसे बड़ी आत्मा, सबसे ऊंची आत्मा। तो आत्मा कोई शरीर धारण नहीं करती, आत्मा कहाँ रहती है? हमारी आत्मा में रहती है। और परमात्मा की आत्मा कण कण में व्याप्त है। एक आप अणु को भी विस्फोट कर दें तो लाखों लोग उससे मर सकते हैं। एक बालू के छोटे से कण को, इतनी ऊर्जा है उसमें, कण कण में भगवान की ऊर्जा है। परमात्मा हमारे ऊपर भी है, नीचे भी है, बाएं भी है, दाहिने भी है, सामने भी है, पीछे भी है, हवा में भी है, पानी में भी है, पत्तियों में भी है, फूलों में भी है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें परमात्मा न हो। वो परमात्मा एक शक्ति है, वो परमात्मा मनुष्य की आत्मा में रहता है। उसको जानना, इसके लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। उस परमात्मा को जानना जो आत्म तत्व है,
जो सोल है, रूह है, उसको जानना और उसकी पूजा करना। अब पूजा करने कहाँ जाए, कहीं तो दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ये मनुष्य के जीवन का एक ही उद्देश्य है, दो उद्देश्य है, एक उसको जानना और एक से पूजा करना। इसी के लिए परमात्मा ने हम सभी प्राणियों का जन्म दिया है। जानने के मानी क्या है, किसी भी व्यक्ति को हम जानना चाहते हैं तो उसके विचारों को जानते हैं। हमें कहेंगे ये राकेश लड़का है आपकी क्लास में पढ़ता, आप जानते हैं क्या, ये आप जानते हो तो कहें हम जानते हैं। वो बड़ा मेहनती है, बड़ा चरित्रवान है, बड़ा अच्छा है, सबसे मिलनसार है, उसके गुण हम बताएंगे। तो हम क्या जानते हैं उसको, माने उसके गुणों को जानते हैं। तो परमात्मा को जानने के मानी क्या है, परमात्मा के शिक्षाओं को जानना, उसके गुणों को जानना। ये शिक्षाएं कहाँ मिलती हैं, जो रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड है, परमात्मा ने रिवील की हैं। भगवद गीता 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण की आत्मा में रिवील की उन्होंने, 2500 वर्ष पूर्व त्रिपिटक बुद्ध की आत्मा में रिवील किया, 2000 वर्ष पूर्व बाइबल यीशु मसीह की आत्मा में रिवील की, और 1400 वर्ष पूर्व होली कुरान शरीफ मोहम्मद साहब की आत्मा में रिवील की, 550 वर्ष पूर्व नानक जी की आत्मा में गुरु ग्रंथ साहब रिवील किया, और 200 वर्ष पूर्व बाहुल्ला की आत्मा में भाई शिक्षाओं को रिवील किया। तो ये जो परमात्मा ने रिवील की है चीजें, ये किताबें इन अवतारों की लिखी हुई नहीं है। न तो कृष्ण जी ने गीता लिखी, ये तो दिव्य ज्ञान है, ये तो महर्षि व्यास ने लिखा, और ये तो पर्वत की चोटी पे, एवरेस्ट की चोटी पे लिखा गया, वो साधना में बैठे थे और उनकी साधना देखा एक भंग हुई। उन्होंने देखा कि कोई धरती का प्राणी अर्जुन प्रश्न कर रहा है और साक्षात परमेश्वर दिव्य लोक से अपने उत्तर भेज रहे हैं। वो कृष्ण के माध्यम से उत्तर आ रहे थे और वो अर्जुन को बता रहे थे। तो कृष्ण एक माध्यम थे, एक तरह से बांसुरी, भगवान गीत गा रहा है, सुनने वाला अर्जुन है, और ये गीत कहाँ से आ रहे हैं, बांसुरी के माध्यम से। तो वो पवित्र आत्मा थे, एक बांसुरी की तरह थे, और ये गीत किसका है, तो गीता में कहाँ लिखा है, भगवत वाणी, ये भगवान की वाणी है, कृष्ण की वाणी नहीं है, इसमें कहीं भी कृष्ण का नाम नहीं है। अर्जुनोवाच, अर्जुन ने ऐसा कहा, और भगवानोवाच, अंदर भी आप देखें तो भगवान ने ऐसा कहा, अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया, भगवान ने ऐसा उत्तर दिया। तो ये प्रश्न उत्तर जो होने लगे तो महर्षि व्यास की साधना भंग हुई, और उन्होंने देखा, करे धरती का प्राणी प्रश्न कर रहा है, साक्षात परमेश्वर के उत्तर आ रहे हैं। उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, तो लिपिबद्ध कर लिया। और ये कहाँ संदेश कहाँ अर्जुन को मिल रहा था, यहाँ दिल्ली के पास कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में कृष्ण का जन्म हुआ, मथुरा में, और युद्ध जो हुआ वो कुरुक्षेत्र में हुआ, हरियाणा में, जो दिल्ली के पास में। तो वहां पर युद्ध चल रहा था और कृष्ण की आत्मा में दिव्य लोक से संदेश आ रहे थे और वो अर्जुन को दे रहे थे। तो वो ये किताब है। तो किताब कृष्ण जी की लिखी नहीं है, न कृष्ण जी के विचार हैं, ये तो परमात्मा के विचार हैं। तो इस किताब को जानने के मानी परमात्मा को जानना है। परमात्मा को जानने के मानी क्या है, परमात्मा के विचारों को जानना। अब परमात्मा के विचार कहाँ है, जो परमात्मा ने भेजे हैं। तो परमात्मा ने ये विचार दिव्य लोक से भेजे, कृष्ण के माध्यम से भेजे, अर्जुन को भेजे, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो। भगवान राम का आगमन होता है 7500 वर्ष पूर्व, और उनको कोई दिव्य पुस्तक जैसे कृष्ण जी को प्राप्त हुई, कंप्लीट सेट ऑफ स्पिरिचुअल लॉज प्राप्त हुए, इस तरह का कोई दिव्य ज्ञान उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन भगवान ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम
उन्होंने मानव जीवन को मर्यादित करने की परमात्मा ने उन्हें प्रेरणा दी, जाओ राम तुम मानव जीवन को मर्यादित करो। समाज में अमर्यादा बढ़ रही है, रावण अमर्यादित हो रहा है, मर्यादा का नाश कर रहा है, मर्यादा को लांग रहा है, तो तुम जाकर के मर्यादा के लिए काम करो। तो 14 वर्ष के लिए वनवास में गए, घनघोर तकलीफें झेली और उन्होंने मानव जीवन में मर्यादा के मूल्य को स्थापित किया और वो कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। उनकी मृत्यु के 7,000 वर्ष के बाद तुलसीदास जी का जन्म हुआ, उन्होंने रामायण लिखी। तुलसीदास जी बचपन से ही राम की गाथाएं सुनने लगे और जब वो सुनते थे तो बड़े प्रभावित होते थे, बड़ा उनके ऊपर लगता था कि राम इतने महान थे। तो वो गांव गांव जाने लगे, शहर शहर जाने लगे और लोगों से मिलजुल कर राम की कहानियां इकट्ठी करने लगे और राम की जितने ही जगह जाते नई नई कहानियां मिलती और वो सब नोट कर लेते। वो इकट्ठी करी तो उसमें उनसे बन गई रामायण, चौपाइयां लिखी, छंद लिखी और वो रामायण तैयार हो गई। तो प्यारे बच्चों, जो रामायण है वो तुलसीदास जी की लिखी। अब देखो तुलसीदास जी ने जो लिखी तो इसमें जितनी भी शिक्षाएं, संत थे बड़े भारी, ईश्वरी संत थे, ये गीता त्रिपिटक बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ साहब के अनुकूल है, लेकिन एक शिक्षा इसमें से गलत भी होगी। उसमें शिक्षा है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इनको प्रताड़ित करना चाहिए, जो अशिक्षित हो ढोल गंवार हो। तो सारे अवतार तो स्वयं ही अशिक्षित थे, इनमें तो कोई पढ़ा लिखा नहीं था क्योंकि स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं थे उस समय में। तो ढोल गंवार शूद्र, बुद्ध जी ने कहा कि शूद्र अशूद्र ये मनुष्यों का बनाया हुआ, भगवान ने किसी को सबको बराबर बनाया, किसी को शूद्र अशूद्र नहीं बनाया, ये वर्ण व्यवस्था मनुष्यों की बनाई है और ये मनु महाराज ने बना दिया, महर्षि मनु जी ने इसको, उन्होंने 4 टुकड़ों में समाज को बांट दिया, ये अनुचित है। मानव समाज एक है, पशु तो बड़े काम की चीज, अब गाय हमें दूध देती है, भैंस हमें दूध देती है, बकरी दूध देती है, गाय का बछड़ा बैल बनके हमारे खेत जोतता है, उसकी वजह से हमारे पैदावार होती है, ढोल गमार शूद्र पशु और नारी, नारी के बिना तो ये अवतार ही नहीं होते कोई, राम कृष्ण बुद्ध मोहम्मद नानक ईसा कोई भी नहीं पैदा होती थी नारी को प्रताड़ित किया जाए तो, और हम सब में से कोई भी नहीं होता, हम सब तो एक नारी एक स्त्री एक माँ के कोख से ही पैदा हुए हैं सब। तो ये जो संतों की वाणी होती है, महात्माओं की वाणी है, ये अच्छी भी होती है, इसमें त्रुटि भी हो सकती है, लेकिन जो रिवील्ड वर्ड्स होते हैं वो अनएरिंग है। ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनएरिंग एंड कलेक्टेड विजडम दैट आर सेंट बाय वन गॉड एज रिक्वायर्ड फ्रॉम एज टू एज टू ओपन द मेंटल लॉक्स ऑफ मैनकाइंड एंड टू क्योर द मेलेडीज ऑफ द एज। तो ये युग युग के दुखों को दूर करने के लिए उस युग काल और परिस्थिति में जिसमें कि अवतार आता है, उस युग काल परिस्थिति के लिए वो ज्ञान देता है। उस युग काल के लिए जब राम आए तो वो कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मानव जीवन को मर्यादित किया। कृष्ण जी आए तो उन्होंने न्याय की शिक्षा दी, न्यायप्रिय समाज बनाया और उसके बाद कृष्ण जी के जाने के बाद न्यायालय बन गए, कोर्ट बन गए, कचहरी बन गए, उससे पहले न्यायालय नहीं होते थे, कहीं न्याय की व्यवस्था ही नहीं थी। जब बुद्ध जी आए तो उन्होंने कहा भाई सब में ज्ञान सब बराबर है, ऊंच नीच की भावना गलत है। और जब फिर 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह आए
तो उन्होंने कहा इस पृथ्वी का साम्राज्य उनका होगा जिनका जीवन करुणामय दयामय। यहाँ तक उन्हें सूली दी जा रही थी, कीले ठोक रहे थे उनके शरीर में, लोग बड़े बड़े हथौड़े लेके मार रहे थे और वो प्रार्थना कर रहे थे परमात्मा तू इन्हें माफ कर दे जो मुझे सूली दे रहे हैं। तो आप देखिए कि जो सूली दे रहे हैं उनके लिए माफी की प्रार्थना वो कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, उन्हें इस बात की चिंता थी कि परमात्मा इन्हें दंडित न कर दे। तो वो परमात्मा से कह रहे थे परमात्मा ये अपराधी नहीं है, ये तो अज्ञानी है, इन्हें ज्ञान नहीं है परमात्मा का, आत्मा का बोध नहीं है। तो परमात्मा का बोध या ज्ञान न होना ये अज्ञान का द्योतक होता है। परमात्मा का ज्ञान क्या है? परमात्मा कण कण में व्याप्त है। परमात्मा का ज्ञान क्या है कि परमात्मा की जो रिवील्ड बुक्स हैं वो अनहरिंग है, कलेक्टेड विजडम है। कदम हमारे रुके कभी ना, तूफानों से डरे कभी ना, आगे बढ़ते जाएंगे हम, आगे बढ़ते जाएंगे हम। गौरव है सीएमएस के, हम इसकी शान बढ़ाएंगे। कदम हमारे रुके कभी ना, तूफानों से डरे कभी ना, आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे हम। गौरव हैं सीएमएस के। बढ़े चलो साथी रे, बढ़े चलो, चाहे लाख आंधियां आए, चाहे मेघ तिमिर के छाए, आहा आहा। अपनी मंजिल पर हम बढ़ते जाएंगे, अपनी मंजिल पर हम बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम गौरव हैं सीएमएस के।
नफरत के शोलों को हम बुझाएंगे, शोलों को हम बुझाएंगे, शोलों को हम बुझाएंगे। प्रेम एकता शांति का संदेश हम फैलाएंगे, संदेश हम फैलाएंगे, संदेश हम फैलाएंगे। धर्म युद्ध और नफरत के शोलों को हम बुझाएंगे, प्रेम एकता शांति का संदेश हम फैलाएंगे। सत्य अहिंसा के फूलों से, सत्य अहिंसा के फूलों से विश्व का चमन सजाएंगे, विश्व का चमन सजाएंगे, विश्व का चमन सजाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम गौरव हैं CMS के। चलो साथी रे बढ़े चलो, बढ़े चलो साथी रे बढ़े चलो। मुस्लिम सिख ईसाई का ये भेद मिटा देंगे, हाँ ये भेद मिटा देंगे, हाँ ये भेद मिटा देंगे। जात पात और ऊंच नीच की हर दीवार गिरा देंगे, हर दीवार गिरा देंगे, हर दीवार गिरा देंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये भेद मिटा देंगे, जात पात और ऊंच नीच की हर दीवार गिरा देंगे। हर एक मानव के दिल में हम प्रेम का दीप जलाएंगे, दीप जलाएंगे, प्रेम का दीप जलाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम गौरव हैं CMS के। आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम गौरव हैं CMS के, हम इसकी शान बढ़ाएंगे। कदम हमारे रुके कभी ना, तूफानों से डरे कभी ना। आगे बढ़ते जाएंगे, हम 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 आगे बढ़ते जाएंगे। See it flying high.
शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।